मंच पर उपस्थित विद्वतगण एवं दूर दूर से पधारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का मेरा विषय है सम्यक वाक, अर्थात शुद्ध वाणी। शुद्ध प्रिय और हितकारी वाणी से ही इस मानव तन की शोभा है। गीता में कहा गया है कि अनुद्वेग करम सत्यम प्रियम हितम च, अर्थात हमें हमेशा ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसको सुनने पर किसी के मन में पीड़ा न हो, वह सत्य हो, प्रिय हो तथा हितकारी भी हो। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, ऐसा है धर्म सनातन। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, किंतु सत्य और अप्रिय लगने वाला वचन नहीं बोलना चाहिए। इसके साथ प्रिय और असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यह शाश्वत धर्म है। वाणी ही महानता का परिचय देती है कि जो व्यक्ति जितना ही महान होता है उसकी वाणी भी इतनी श्रेष्ठ शालीन तथा मधुरता से भरपूर होती है। वाणी में कहा गया है कि जाको ना में रसना होसी कैसी मीठी हक, जिनकी जैसी बुजर की जुबा हो धे दिन माफक। इस कथन से यह स्पष्ट है कि अक्षरातीत से अधिक मीठा बोलने वाला इस संसार में या काई भी नहीं है। वे कहते हैं कि ए हम सहयो न जा वही जो साथ में कहे कोई कटुक वचन। श्री धामधनी जी को यह सहन नहीं है कि कोई भी किसी को किसी भी कीमत पर कटुवाणी बोले। वेद का कथन है कि वाचा वदामि मधुमत भूया सम में मधु सदृश मधुमति वाचा मुदेयम, अर्थात मैं मधु के समान मीठी वाणी बोलूं और मेरा हृदय भी मधु के समान मधुर हो जाए। वाणी में कहा गया है कि जेने दर्शन नेत्रे ठहरे अने वचन कहे ठहरे अंग, अनेक विधन जो उपजे पर मुख्य नहीं सत्संग। ब्रह्म जान के साथ साथ जिनके हृदय में प्रेम भरी मिठास की वाणी हो उनसे स्वप्न में भी अलगाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके दर्शन मात्र से ही नेत्र शीतल हो जाते हैं। मीठी वाणी के संबंध में कबीर जी का कथन है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। इसी प्रकार संत तुलसीदास जी ने भी अपनी मधुर वाणी को वशीकरण की संज्ञा दी है। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु और वशीकरण या मंत्र है तजी दो वचन कठोर। सत्य प्रिय और हितकारी वाणी से इस संसार के सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए ऐसी वाणी बोलने में क्या दरिद्रता है। सुंदर साहब जी कटु वाचन तो बहुत ही अनर्थकारी होता है। मर्मभेदी वाणों से भी वीर मनुष्य के हृदय को उतना कष्ट नहीं होता कि जितना कटु वाणी से। शस्त्रों के घाव तो भर जाते हैं लेकिन कटु वाणी का घाव कभी भी नहीं भरता। यदि हमें कोई कठोर या रुखी वाणी बोले तो हमें हमेशा ही मीठी वाणी बोलनी चाहिए। जिस प्रकार मेघ खारा जल पीते हैं और उसी को ही मीठा बनाकर उगल देते हैं, उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी दुष्टों के कठोर वचनों को सुनकर उसे पुनः मीठा बनाकर ही बोलते हैं। रोहते साइक्य वृद्धि वर्ण पर सुना हतम वाचा दुरुक्तम विभत से नसम रोहते वाक्षतम। जिस प्रकार धनुष से छुटा हुआ बाण कभी वापस नहीं आता, उसी प्रकार मुख से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। अतः अपने हृदय तराजू पर तोले बिना मुख से कुछ भी नहीं कहना चाहिए। इस संबंध में कबीर जी का कथन है कि बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हवे सचरे साले सकल शरीर। महाभारत के युद्ध में लगभग 50 लाख व्यक्ति 18 अक्षौणी सेना मारे गए थे। उसके मूल में द्रौपदी के द्वारा दुर्योधन को कहा हुआ कटु वचन ही था कि अंधों के पुत्र अंधे ही होते हैं। इसी प्रकार रामायण के युद्ध में होने वाले जनसार के मूल में सीता जी के उस कटु वचन का भी योग था जो उन्होंने मारीच के द्वारा राम के आवाज़ की नकल बनाकर लक्ष्मण जैसे ब्रह्मचारी के लिए कहा था। यदि लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़कर नहीं जाते तो उनका अपहरण होता ही नहीं। कटु वचन कितना अनर्थकारी होता है। महाभारत का यह कथन अक्षरश सत्य है कि तीखे बाण के घाव तो भर जाते हैं तथा कुल्हाड़े से कटा हुआ वन भी हरा भरा हो जाता है, लेकिन कठोर वाणी का घाव कभी भी नहीं भरता। कठोर वाणी सुनने के पश्चात हमें कितना सहनशील होना चाहिए। यह महर्षि दयानंद जी की एक घटना है।
जब महर्षि दयानंद जी फरुखाबाद में गंगा के किनारे निवास कर रहे थे, तब पड़ोस में रहने वाला एक साधु उनको बहुत गालियाँ देकर चला जाता था, लेकिन दयानंद जी मुस्कुराते रहते थे। एक दिन एक भक्त फलों का टोकरा लेकर आया और उसमें से अच्छे अच्छे फल छाटकर उस साधु को भिजवा दिए जो उनको बहुत गालियाँ देता था। उस साधु ने दोबारा गालियाँ देना शुरू कर दी। दयानंद जी ने दोबारा प्रेमपूर्वक फल भिजवाया जिसका उस पर इतना असर हुआ कि वह महर्षि दयानंद जी के चरणों में अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। यदि इस संसार के महापुरुष में प्रत्यक्ष अपमान सहने पर भी इतनी सहन शक्ति है, तो सुंदर साध को यह आत्ममंथन करना होगा कि दूसरे को कटुवाणी न बोले तथा दूसरे को कटुवाणी को सहन करे। वाणी में कहा गया है कि मीठी जुबा मीठे वचन मीठा हक मीठा रूहो प्यार मीठी रूह पावे मीठे अरस की जो मीठा करे विचार। सुंदर साध जी, यदि हम मधुर बोलना चाहते हैं तो हमें उस मधुरता के सागर अक्षरातीत को अपने दिल में बसाना होगा। इसके साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ ही विश्राम देता हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।